इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और लैपटॉप के बारे में जिसका नाम होने वाला है इन्फिनिक्स इनबुक वाई टू प्लस इंटेल कोर आई सेवन इलेवेंथ जनरेशन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस लैपटॉप के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। मेरे चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं, अलग अलग वीडियोस अपलोड हैं जिनमें अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, अलग अलग लैपटॉप संबंधित जानकारी मिलने वाली है, आप वो वीडियोज देख सकते हैं। मेरा मेन मोटिव है आप लोगों का एजुकेशन बढ़ाना, आपकी नॉलेज बढ़ाना, आपको मोटिवेट करना और आपको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाना। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इसकी स्पेसिफिकेशन आपको देंगे, इसके फीचर्स की बात करेंगे, इसके प्राइस की बात करेंगे कि क्या इसका प्राइस होने वाला है। तो वीडियो को एंडिंग तक जुड़े रहिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी आपकी मिस ना हो और पूरी जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो देखिए इन्फिनिक्स इनबुक वाई टू प्लस इंटेल कोर i7 11th जनरेशन का जो लैपटॉप है इसमें क्या फीचर्स मिलने वाले हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मेन फीचर्स की बात करते हैं कि क्या मेन फीचर्स होने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि इसमें इंटेल कोर i7 का प्रोसेसर मिल रहा है 11th जनरेशन के साथ, 16 GB की LPDDR4X रैम देखने के लिए मिल रही है, 64-bit विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है, 512 GB की SSD देखने के लिए मिल रही है, 15.6 inches की डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही है। अगर आप डिटेल्स में बात करते हैं अंदर की क्या चीज़ें और स्पेशल इसमें होने वाली हैं, क्या चीज़ें और स्पेशल इसमें मिलने वाली है, तो वो हम बात एक बार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें सील पैक मिलने वाला है, लैपटॉप पावर एडप्टर, यूजर कार्ड, वारंटी डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले हैं, मॉडल का नेम होने वाला है यहाँ पे XL29 मॉडल का नेम, इनबुक Y2+ होने वाला है, कलर होने वाला है ब्लू, टाइप होने वाला है थिन एंड लाइट लैपटॉप, सुटेबल फॉर एवरीडे यूज, परफॉर्मेंस, प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग के लिए, VT बैकअप 50 वॉट का होने वाला है, पावर सप्लाई 45 वॉट AC अडेप्टर होने वाला है, BT सेल लिथियम पॉलीमर होने वाली है, प्रोसेसर एंड मेमोरी फीचर्स की बात करते हैं, प्रोसेसर का ब्रांड होने वाला है इंटेल, प्रोसेसर नेम होने वाला है कोर i7, SSD होने वाली है SSD कैपेसिटी होने वाली 512 GB, रैम होने वाली है 16 GB, रैम का टाइप होने वाला है LPDDR4X, प्रोसेसर वेरियंट होने वाला है 11957G7, क्लॉक स्पीड होने वाली बेस फ्रीक्वेंसी 1.3 GHz मैक्स टर्बो बूस्ट एट 5.0 GHz के साथ, केचिस होने वाले 12 MB ग्राफिक प्रोसेसर इंटेल इंटीग्रेटेड इरीज XE होने वाला है, नंबर ऑफ कोर्स 4, स्टोरेज टाइप होने वाला है SSD, ऑपरेटिंग सिस्टम OS आर्किटेक्चर 64-bit होने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 होम मिलने वाला है, सपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 सिस्टम होने वाला है। बात करते हैं पोर्ट एंड स्लॉट फीचर्स, कौन कौन से पोर्ट देखने को मिल रहा है, कौन कौन से स्लॉट्स देखने के लिए इसमें मिल रहा है, उसके हम इसमें बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्यान देते हैं इस पे, तो इसमें एस वीडियो नो RJ11 माइक इन यस मिलने वाला है, इसके बाद VGA पोर्ट नहीं है, USB पोर्ट 2 × USB 3.0 मिलने वाला है, HDMI पोर्ट मिलने वाला है, मल्टी कार्ड स्लॉट मिलने वाला है, हार्डवेयर इंटरफेयर NVMe PCI 3.0 SSD मिलने वाली है। इन्फिनिक्स भी शानदार लैपटॉप्स बनाती है, शानदार क्वालिटी के साथ आपको प्रोवाइड करवाती है, और इन्फिनिक्स इनबुक वाई टू मतलब और भी मैंने इन्फिनिक्स के बारे में जानकारी दी है, इन्फिनिक्स को और भी लैपटॉप संबंधी जानकारी मेरे वीडियोस में अपलोड है मेरे चैनल पर, आप वो भी आप देख सकते हैं। स्क्रीन का टाइप फुल HD एंटी क्लियर डिस्प्ले होने वाला है, 260 nits पीक ब्राइटनेस के साथ, स्पीकर DTS ऑडियो प्रोसेसिंग के साथ होने वाला है। तो और चीज़ देखते हैं जैसे कि क्या होने वाला है, डिस्प्ले एंड ऑडियो फीचर्स, तो जो कि कनेक्टिविटी फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो वायरलेस लेन मिलने वाला है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलने वाला है, NFC सपोर्ट नो, वायरलेस वेन NA होने वाला है, डायमेंशन 1.8 kg होने वाला है, इतना वजन रहेगा, वेट इसमें 1.8 kg जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब सही है, सफिशेंट है लैपटॉप की क्वालिटीज के साथ जो कि इसमें स्पेसिफिकेशंस हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा वजन आपको देखने के लिए मिल रहा है। एडिशनल कुछ फीचर्स जैसे कि डिस्क ड्राइव नॉट अवेलेबल नहीं है, वेब कैमरा फुल HD वीडियो कैमरा है विद डुअल स्टार लाइट के साथ, फिंगरप्रिंट सेंसर नो, फेस रिकॉग्निशन नो, कीबोर्ड बैकलिफ्ट यस, पॉइंटर डिवाइस, मल्टी टच AG ग्लास, टच पैड, रिकवरी ऑप्शंस नो, इसके बाद वारंटीज वगैरह इसमें 1 year की वारंटीज मिल रही है ऑन साइट, और फिजिकल डैमेज इसमें कवर्ड नहीं है, मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट इसमें कवर्ड रहेगा। तो ये तो इसकी स्पेसिफिकेशन थी, ये इसके फीचर्स थे, क्योंकि मैंने आपको बताया इन्फिनिक्स इनबुक वाई टू प्लस इंटेल कोर i7 11th जनरेशन लैपटॉप की।
इसकी अप्रोक्स प्राइस के बारे में बात करते हैं, क्या इसकी अप्रोक्स प्राइस होने वाली है। वैसे 74,990 इसकी अप्रोक्स प्राइस अभी ऑनलाइन देखने के लिए मिल रही है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बेस्ट रेट मिले, बेस्ट क्वालिटी मिले, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, वहाँ से आप चाहे परचेज कर सकते हैं। हाँ, बस आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा जेन्युइन प्रोडक्ट परचेज करें, ताकि आपकी कोई भी ऐसे विदाउट वारंटी प्रोडक्ट परचेज बिल्कुल भी ना करें, सब एक जेन्युइन प्रोडक्ट परचेज करें, ताकि आपको आगे तक लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम प्रोडक्ट के साथ ना आए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। आज इस वीडियो में मैंने आपको इन्फिनिक्स इनबुक वाई टू प्लस इंटेल कोर i7 11th जनरेशन लैपटॉप के बारे में जानकारी दी, स्पेसिफिकेशन दी है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रही होगी। तो मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही और एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें, जो कि मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।